Medieval monuments. In this lesson, we learn about the medieval Hindu architecture. यानी medieval period में हिंदू religion का architecture कैसा था, उनकी buildings बनवाने की शैली कैसी थी. Then Indo-Islamic architecture. In medieval, many invaders came. In that, Muslim also, Islamic religion, people also. So when they came here, they settled here, and they also developed their architecture. But with it, they accepted the India's architecture also. So in that, from the new architecture style, that is the Indo-Islamic architecture style. यानी कि भारत में बहुत से आक्रमणकारी आए, उनमें से मुस्लिम आक्रमणकारी भी थे या इस्लामिक रिलीजन के भी थे. तो जब वो यहाँ पर आए, फिर यहाँ आने के बाद उन्होंने अपने खुद के साम्राज्य यहाँ पर स्थापित कर दिए. फिर उन्होंने अपना खुद का जो आर्किटेक्चर का जो स्टाइल था यहाँ पर डेवलप कर दिया. जब वो ऐसा कर रहे थे, तब उन्होंने भारत के भी आर्किटेक्चर के बहुत से स्टाइल अपना लिए. और इसी तरह से इस्लामिक और हिंदू रिलीजन के आर्किटेक्चर के स्टाइल से एक नया आर्किटेक्चर स्टाइल बन गया, और वो बन गया इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर. तो ये भी हम इसमें सीखेंगे. देन सल्तनत एंड मुगल आर्किटेक्चर, इसके बाद का जो है वो है सल्तनत पीरियड. जब भारत में 13th century में सल्तनत पीरियड शुरू हो गया, तो बहुत से सुल्तानों ने मैन्यूमेंट्स बनवाए, तो उनका भी एक अलग स्टाइल था आर्किटेक्चर का. और मुगल साम्राज्य, सल्तनत पीरियड के बाद मुगल साम्राज्य एस्टेब्लिश हो गया, उनका भी आर्किटेक्चर का स्टाइल अलग था, बिल्डिंग बनवाने के स्टाइल्स अलग थे. तो ये भी हम सीखने वाले हैं. देन बिल्डिंग मटेरियल एंड लेबर. अब मेडिएवल भारत में, मेडिएवल इंडिया में जो कुछ बिल्डिंग्स मैन्यूमेंट्स बनवाए गए, जो बिल्डिंग बनवाए गई, उसके लिए क्या क्या मटेरियल्स यूज़ किए गए, यानी सीमेंट यूज़ किया गया या चूना यूज़ किया गया या फिर सैंड यूज़ की, कौन से स्टोन यूज़ किए, तो उस मटेरियल की. और लेबर वो कैसे थे, उन्हें ये सब कुछ कैसे आता था, ये सीखने वाले हैं. उनका एजुकेशन इसके लिए क्या था. देन मैन्यूमेंट्स एज अ सोर्स ऑफ हिस्ट्री, रीजनल इन्फ्लुएंसेस ऑन आर्किटेक्चर. अब जो कुछ बिल्डिंगें या जो कुछ मैन्यूमेंट्स मेडिएवल पीरियड में भारत में बनाए गए, तो आज वो सारे हिस्ट्री का स्टडी करने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उससे ही उस समय की धर्म, उस समय की रीजनल यानी कि जो प्रादेशिक प्रभाव जिसे हम कहते हैं, वो किस तरह का था, ये समझ में आता है. देन केस स्टडी आर्किटेक्चर अंडर शाहजहां. अब मुगल डायनेस्टी का जो शाहजहां रूलर था, उस समय मुगल आर्किटेक्चर जो था सबसे ज़्यादा फ्लोरिश हो गया, सबसे ज़्यादा डेवलप इस शाहजहां के समय में ही हुआ. और इसी कारण उसने बहुत से, क्यों हो गया, क्योंकि उसने बहुत से मैन्यूमेंट्स बनवाए और उसे आर्किटेक्चर में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी थी, इसीलिए उसके समय की केस स्टडी आर्किटेक्चर की हम करने वाले हैं. देन आर्किटेक्चर लेसन, दिस लेसन इंट्रोडक्शन. ए लार्ज नंबर ऑफ मैन्यूमेंट्स वर बिल्ट इन इंडिया ड्यूरिंग द मेडिएवल पीरियड. मेडिएवल पीरियड में भारत में बहुत से मैन्यूमेंट्स, बहुत से बिल्डिंग बनवाई गई. द रूलर्स कंस्ट्रक्टेड बोथ रिलीजियस एंड सेक्युलर मैन्यूमेंट्स. और उस समय के जो रूलर्स थे, जो शासक थे, उन्होंने रिलीजियस मैन्यूमेंट्स तो बनवाए हैं, यानी कि धार्मिक स्थल जिसे हम मंदिर मस्जिद कहते हैं, वो तो उन्होंने बनवाए ही, साथ में ही सेक्युलर मैन्यूमेंट्स भी बनवाए. सेक्युलर मैन्यूमेंट्स यानी जहाँ पर सारे धर्म के लोग आ सकते हैं, ऐसी भी बिल्डिंगें उन्होंने बनवाई, जैसे कि राजा का दरबार. अब ये कॉमन होता था, सभी लोग इसे इसमें आ सकते थे, सभी धर्म के लोग आ सकते थे. तो ऐसी कॉमन बिल्डिंगें भी उन्होंने बनवाई, जिसे जो कि सेक्युलर मैन्यूमेंट्स है. देन रिलीजियस मैन्यूमेंट्स कंसिस्टेड ऑफ टेम्पल्स, मॉस्क्यूज, स्तूपाज एंड अदर प्लेसेस ऑफ वर्शिप, वाइल सेक्युलर मैन्यूमेंट्स इंक्लूडेड द पैलेसेस, फोर्ट्स, टॉम्स, टैंक्स, घाट्स एंड वेल्स. अब यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताया गया है कि रिलीजियस मैन्यूमेंट्स में क्या क्या आते थे. तो उसमें टेम्पल्स यानी कि मंदिर, मस्क्यूज मस्जिद,
स्तूपाज, जहाँ पर बौद्ध धर्मीय लोग जाकर प्रार्थना करते हैं, उनके मंदिरों को स्तूप कहा जाता है। तो ऐसे स्तूप भी मेडिएवल पीरियड में बनवाए गए और दूसरी ऐसी पूजा स्थल बनवाए गए जहाँ उस जाति के और धर्म के लोग जाकर भगवान को पूछते थे। तो ऐसे सारे जो मैन्यूमेंट्स थे वो रिलीजियस मैन्यूमेंट्स में कंसिस्ट होते थे। उसके बाद जो सेक्युलर टाइप्स के मैन्यूमेंट्स होते थे उसमें तो सभी धर्म के जाति के लोग जा सकते थे, जैसे कि पैलेसेस, राजाओं के घर जिन्हें हम कैसल कहते हैं, राजवाड़ा, पैलेसेस, सब लोग जा सकते थे। फोर्ट्स, किले, किले में भी सभी लोग रह सकते थे, जा सकते थे। देन टॉम्ब्स, जिसे हम कब्र कहते हैं। अभी दरगाह, फॉर एग्जाम्पल दरगाह, दरगाह में सभी लोग जाते हैं, सारे धर्म के लोग जाते हैं, वहाँ सिर्फ मुस्लिम लोग ही नहीं दूसरे धर्म के लोग भी जा सकते हैं। देन टैंक्स, टैंक्स यानी के तालाब, जहाँ पर पानी पीने के लिए मिल जाता है, ऐसे जगह पर भी सभी लोग जा सकते थे। देन घाट्स, अब नदियों के ऊपर जो घाट बनाए जाते हैं ऐसे घाट भी सेक्युलर मैन्यूमेंट्स में इंक्लूड होते थे। उसके बाद वेल्स, सभी लोगों के पानी की समस्या मिटाने के लिए उस समय के रूलर्स ने टैंक्स भी बनवाए या वेल्स भी बनवाए लोगों के पानी की समस्या मिटाने के लिए। तो ये सारे सेक्युलर मैन्यूमेंट्स में इंक्लूड होते हैं। सो दिस टाइप्स ऑफ टू मैन्यूमेंट्स ऑफ द मेडिएवल पीरियड।